फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर मंथ के मंथली छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि इस वीडियो में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के सितंबर माह के संपूर्ण इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, डॉक्टर संजय पाठक, डॉक्टर सुनील त्रिवेदी, डॉक्टर दीपक अग्रवाल या डॉक्टर अजय सहाय। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन द, डॉक्टर अजय सहाय, ठीक है? विस्तार में बात करेंगे इसके। छत्तीसगढ़ रायपुर के चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और समाज सेवक है डॉक्टर अजय सहाय को राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के द्वारा अवार्ड दिया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में गरीबों के डॉक्टर और गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड समारोह जो है कोलकाता के राजभवन में आयोजित किया गया था, जिसमें उन्हें ये सम्मान दिया गया है, ठीक है? अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किसे पुलिस ने भूटान इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है, ठीक है? तो किस पुलिस अफसर ने यह जीता है? ऑप्शन दिया गया इसमें, अभय कुमार गड़ोरकर, विशाल कुमार जोगलेकर, अजय सिंह और राहुल भारद्वाज। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन अ, अभय कुमार गड़ोरकर, ठीक है? विस्तार पर बात करेंगे। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भूटान 2023 गुंटूर भूटान में जो है, भूटान के गुंटूर में 25 से 30 अगस्त तक आयोजित हुई। इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर के ASI अभय कुमार ने 45 प्लस यानी कि ओवर 45 के एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है 100 मेडल, 119 मेडल, 129 मेडल या 139 मेडल। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सा, 129 मेडल, ठीक है? विस्तार पर बात करेंगे। 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता हरियाणा के पंचकुला में आयोजित की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है 12वीं बार ओवरऑल चैंपियन रहा है, ठीक है? याद रखेंगे छत्तीसगढ़ जो है 12वीं बार जो है इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा है। और छत्तीसगढ़ ने कुल 129 मेडल के साथ प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन विभाग की टीम को पुरस्कृत किया, ठीक है? अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया, रोहन नेताम, श्रीमंत झा, अभिनव सिंह, विकास साहू। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, श्रीमंत झा, ठीक है? विस्तार पर बात करेंगे। श्रीमंत झा ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। श्रीमंत झा ने कजाकिस्तान की निकिता चेबाकोव को और जॉर्जिया की रति अराबुली को हरा कर उपलब्धि ये हासिल की है, ठीक है? अगला प्रश्न है, हाल ही में वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ किस क्रम पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन अ, प्रथम, ठीक है? छत्तीसगढ़ जो है वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके विस्तार पर बात करेंगे। वन अधिकार मान्यता अधिनियम के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी वनवासियों सहित गरीब तथा कमजोर वर्ग के समस्त लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं वन संरक्षण की दृष्टि से यह वन अधिकार मान्यता पत्र महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, ठीक है? अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शिक्षक सम्मान 2023 से राज्य के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया गया आपका, 32 शिक्षकों को, 42 शिक्षकों को, 52 शिक्षकों को या 62 शिक्षकों को। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन स बावल शिक्षकों को, ठीक है। याद रखेंगे ये सभी प्रश्न जो है सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो ये हो चुके हैं। बस इसमें प्रश्न जो है सम्मानित किया जाएगा, दिया गया है, बट आपको ये याद रखना है कि ये सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो बावल राज्य के बावल शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे, राज्य के 52 शिक्षकों के नाम की घोषणा राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा की गई थी। सभी चयनित शिक्षकों को आगामी वर्ष के शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में राज्य कितने मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित लक्ष्य रखा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए आपका 100 लाख, 125 लाख, 150 लाख या 200 लाख। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, 125 लाख, ठीक है। राज्य सरकार ने 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो है अनुमानित लक्ष्य रखा है। विस्तार पर बात करेंगे, आगामी खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से राज्य सरकार ने 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य जो है रखा है। पिछले वर्ष करीब 24 लाख किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई थी। आगामी खरीफ सीजन के खरीफ सीजन से किसानों से बायोमेट्रिक व्यवस्था से खरीदी होगी और 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में किस स्थान पर 3 दिवसीय विश्व संगीती कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है सिहावा, ऑप्शन ब शिवली नारायण, ऑप्शन स आरंग, ऑप्शन द सिरपुर। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द सिरपुर, ठीक है। यहाँ सिरपुर में जो है विश्व संगीती कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विस्तार पर बात करेंगे, ऐतिहासिक पुरातात्विक नगरी सिरपुर में 3 दिवसीय विश्व संगीती कार्यक्रम 7 सितंबर से जो है शुरू हुआ है। तो 7, 8, 9 सितंबर तक ये जो है आयोजित किया जा रहा है विश्व संगीती कार्यक्रम। कार्यक्रम में उपस्थित CSIDC के अध्यक्ष नंद कुमार सहाय ने कहा कि सिरपुर जो है प्राचीन इतिहास का प्रतिबिंब है तथा इसके तट पर ऐतिहासिक वैभव और संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि जो सिरपुर है आपका ऐतिहासिक वैभव और संस्कृति का स्थान है, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने में किस अभियान का 23% योगदान रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया सुपोषण अभियान, हर घर पोषण पोषण अभियान, पोट लयिका अभियान या लयिका जतन अभियान। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन था पोट लयिका अभियान। विस्तार पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और पोटफिले का अभियान से बेमेतरा से 76 आंगनबाड़ी केंद्रों के 1114 बच्चों में से 599 बच्चे सुपोषित हुए हैं। इस अभियान के तहत यूनिसेफ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री रामवन गमन पथ की 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा, यह कहाँ स्थापित की गई है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है सीतामढ़ी, हरचौका, सिहावा, शिवरी नारायण या बालौर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब सिहावा, ठीक है। श्री रामवन गमन पथ की 6वीं प्रतिमा जो है याद रखेंगे, 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण के नाम से सिहावा को याद रखेंगे। हालांकि सीतामढ़ी हरचौका में बना बट लोकार्पण जो है पहले सिहावा में हुआ है 6वीं प्रतिमा का, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे इसके, छत्तीसगढ़ राज्य में श्री रामवन गमन पथ के विकास क्रम में 6वीं मूर्ति धमतरी जिले के सिहावा नगरी में मुकुंदपुर पहाड़ के नीचे स्थापित की गई है। इसका लोकार्पण 11 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। इससे पहले चंद्रपुरी, चंपारण, राजिम, श्रीनारायण, रामगढ़ में मूर्तियों का जो है लोकार्पण किया जा चुका है, ठीक है। तो क्रम याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राम रणविजय सिंह, डॉक्टर हरी शंकर सहाय, डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर भिलाई शहर के साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को विश्व कथा साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें दुबई में मुंबई के नानावटी महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंदी उत्सव में दिया गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कामधेनु विश्वविद्यालय के नए कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है आपका डॉक्टर राम रणविजय सिंह, डॉक्टर हरिशंकर सहाय, डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा, डॉक्टर परदेशीराम वर्मा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन अ डॉक्टर राम रणविजय सिंह को। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के नए और तीसरे कुलपति हैं, याद रखेंगे डॉक्टर राम रणविजय सिंह जो है ये तीसरे और नए कुलपति हैं। वे ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक रहे हैं। विश्वविद्यालय इस जो के कामधेनु विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसके प्रथम कुलपति डॉक्टर नारायण पुरुषोत्तम थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन दिया गया है दंतेवाड़ा, बीजापुर, सूरजपुर या नारायणपुर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द नारायणपुर। विस्तार में बात करेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिलों में पेयजल के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी तक नारायणपुर जिले के 18,072 घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है और 14 गांवों के 100% परिवारों को नल कनेक्शन जो है दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में राज्य की अनन्या पांडे ने कौन सा पदक जो है हासिल किया है? इसमें ऑप्शन दिया गया आपका स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द रजत पदक। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, 9 से 12 सितंबर तक बेंगलुरु में आयोजित ओपन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में रायपुर की अनन्या ने रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में उन्हें गोवा की समायरा से हार का सामना करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों के 233 खिलाड़ियों ने 9 विभिन्न कैटेगरी में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राज्य का कौन सा जिला 16वें स्थान पर रहा है? ऑप्शन दिया गया आपका रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ रायपुर। विस्तार पर बात करेंगे, देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में से रायपुर शहर का स्थान जो है 16वां है। इस रैंकिंग में नागपुर को 18वां, विशाखापट्टनम को 20वां, कानपुर को 23वां, लखनऊ को 24वां और बेंगलुरु को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो रायपुर का आपको स्थान याद रखना है 16वां स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में किस योजना के तहत बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा मिला है? ऑप्शन दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण योजना, मुख्यमंत्री वन एवं भूमि सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण योजना। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन स मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। विस्तार में बात करेंगे, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी और पर्यावरण में सुधार करना है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर किया गया था। इसके तहत राज्य में 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ निजी भूमि में चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देश में जल की गुणवत्ता जाँच में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन दिया गया आपका 8वां, 10वां, 18वां या 21वां। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स 18वां। ठीक है, जल की गुणवत्ता जांच में छत्तीसगढ़ का स्थान 18वां रहा है। विस्तार पर बात करेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 16 सितंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ में कुल 44,000 से अधिक पेयजल नमूनों की जांच के बाद 800 सैंपल दूषित पाए गए हैं। जल की गुणवत्ता जाँच में छत्तीसगढ़ की स्थिति तेलंगाना और झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से बेहतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में G20 देशों की 2 दिवसीय बैठक नवा रायपुर में कब से आयोजित किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया आपका 18 सितंबर 2023 से, 22 सितंबर 2023 से, 25 सितंबर 2023 से या 28 सितंबर 2023 से। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ 18 सितंबर 2023 से। ठीक है, G20 देशों की 2 दिवसीय बैठक 18 दिसंबर 2023 से रायपुर में आयोजित की गई। विस्तार पर बात करेंगे, G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक में 18 देशों के 62 डेलीगेट्स शामिल होंगे तथा 9 देशों के प्रतिनिधियों को संगठन ने अलग से विशेष रूप से आमंत्रित किया है।
इस 2 दिवसीय बैठक में वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही अफसरों के मध्य 1-to-1 संवाद भी कराया जाएगा। डेलीगेट्स को उपहार में बस्तर 8 की चिन्हारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें वर्ष 2023 का इंडो एशिया लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपका धर्मेंद्र जायसवाल, संजय अनंत, उमंग रॉय या शरद चक्रवर्ती। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ब, संजय अनंत। विस्तार पर बात करेंगे, लेखक, फिल्म समीक्षक, ब्लॉगर और द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट के नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट संजय अनंत इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। यह इंडो एशिया लीडरशिप अवार्ड उन्हें एक्ट्रेस भाग्यश्री द्वारा जयपुर में जो है आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। ठीक है, एक्ट्रेस भाग्यश्री के द्वारा जो है ये अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ में देश का कितने प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित हो रहा है? इसमें ऑप्शन दिया गया आपका 64%, 54%, 84% या 74%। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द, 74%। विस्तार पर बात करेंगे, राज्य में अब 7 से बढ़कर 67 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है तथा संग्राहकों की संख्या वर्ष 2018-19 की तुलना में 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है। लघु वनोपज के साथ साथ वन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ राज्य जो है अग्रणी रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किसे पीएम द्वारा विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है राधेश्याम वर्मा, गज्जू निर्मलकर, गजेंद्र प्रसाद धीरे या मनोहर टंडन। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ब, गज्जू निर्मलकर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया था। इस अवसर पर देश के 18 लोगों को विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनमें से जो है राजधानी रायपुर के गज्जू निर्मलकर भी शामिल थे। ये सभी पैतृक कार्यकर्ता हैं जिन्हें पीएम मोदी द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किसानों द्वारा बच की खेती शुरू की गई है, यह किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन दिया गया सुगंधित पुष्प, सब्जी, अनाज और यह औषधि पौधा। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, औषधीय पौधा। विस्तार पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 108 एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती की जा रही है जिसमें प्रति एकड़ 80,000 से 1 लाख रुपए तक आय जो है प्राप्त हो रही है। इस पौधे की खेती बेंगलोर के टुमकुर गांव के किसानों के द्वारा की जाती थी, अब जो है इस राज्य में भी की जा रही है। अब पेंड्रा जिले के गांव खटोला, अनवरपुर, तुपक बोरा, मुरली और तेंदुपारा के किसानों ने इसकी विधि सीख ली है। ठीक है, तो याद रखेंगे अब ये एक औषधीय पौधा है जिसे अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसकी खेती शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसमें ऑप्शन दिया गया आपका जल संरक्षण के क्षेत्र में, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, वायु संरक्षण के क्षेत्र में या खनिज संरक्षण के क्षेत्र में। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ब, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में। विस्तार पर बात करेंगे, क्रेडा को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करने के लिए पुनः सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में राज्य द्वारा नामित एजेंसी के रूप में स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। विगत 3 वर्षों से क्रेडा को सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स सीम द्वारा अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में 19 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस स्थान पर श्री राम की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपका बालोद, शिवरी नारायण, सिहावा, सीतामढ़ी, हरचौका। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द, सीतामढ़ी, हरचौका। विस्तार पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री रामवन गमन पर्यटन परिपथ का मवई नदी के तट पर स्थित सीतामढ़ी हरचौका में 19 सितंबर को लोकार्पण किया गया है। श्री राम की प्रतिमा एवं श्री राम वाटिका का अनावरण किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने एमसीबी जिले में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया गया हमर घर द्वार योजना, मुख्यमंत्री घर अंगना योजना,
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना या मुख्यमंत्री गृह निर्माण योजना? तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना। विस्तार पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के तखतपुर विकासखंड में 25 सितंबर को आवास न्याय सम्मेलन का आयोजन परसदा सकरी में किया जा रहा है, जिसके तहत कई निर्माण कार्य किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 19 जुलाई 2023 को किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे शुभारंभ कब किया गया था, 19 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जा रही है? ऑप्शन दिया गया है, मुख्यमंत्री पढ़वैया योजना, स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, पढ़ई तुहर द्वार योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना। विस्तार पर बात करेंगे, स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बाद अब सरकार स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की लॉन्चिंग 25 सितंबर को करने जा रही है। इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। राज्य में कुल 150 सेंटर संचालित होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राज्य को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य को जो है ऑप्शन दिया गया है, आयुष्मान योजना, गोधन न्याय योजना, जल जीवन योजना या स्वास्थ्य संरक्षण योजना। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन अ, आयुष्मान योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को आयुष्मान योजना के तहत 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। विस्तार पर बात करेंगे, आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में लैंगिक समानता आवंटित राशि का 100% उपयोग तथा राज्य के 90% घरों में जो है कम से कम एक आयुष्मान कार्ड के लिए राज्य को पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री प्रदेश के पहले गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण करेंगे? तो इसका ऑप्शन है महासमुंद, गरियाबंद, कबीरधाम या धमतरी। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सा, कबीरधाम। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, कबीरधाम जिले में 141 करोड़ रुपए की लागत से गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट तैयार किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा कबीरधाम जिले को 355.50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां राज्य की पहली टेनिस अकादमी का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा? कबीरधाम, ऑप्शन दिया गया कबीरधाम, दंतेवाड़ा, रायपुर या राजनांदगांव। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन स, रायपुर। विस्तार पर बात करेंगे, 27 सितंबर को जोरा में 4 एकड़ में 17.75 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकेडमी का लोकार्पण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन अवसर पर ही मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकेडमी का लोकार्पण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के कितने पुलिस अफसर को फिक्की द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, 3। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की द्वारा कई वर्षों से अच्छे कार्यों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाता रहा है, जिसमें जो है लोन वर्राटू कार्यक्रम हेतु डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जो कि दंतेवाड़ा में चलाया गया है कार्यक्रम। ठीक है, त्रिनेत्रम कार्यक्रम हेतु IPS मयंक गुर्जर, यह कार्यक्रम जो है राजनांदगांव में चलाया गया, और राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम हेतु सहायक पुलिस महानिरीक्षक पूजा अग्रवाल इसमें शामिल है। इन तीनों पुलिस अफसरों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस समाज सेविका को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन दिया गया, कुसुम महानंद, कुमुदनी साव, रोहिणी सहाय, शालिनी चक्रवर्ती। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ब, कुमुदनी साव। विस्तार पर बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा दुर्ग की कुमुदनी साव को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमुदनी ने समाज सेवा के साथ साथ कई बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI द्वारा सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी का आयोजन कब से किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सा, 20 अक्टूबर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, BCCI
द्वारा सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ की टीम तैयार कर ली गई है। इस टीम में बिलासपुर से 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित टीम की कप्तान शिल्पा साहू के साथ संजीत पटेल, प्रतिज्ञा सिंह, सृष्टि शर्मा और दुर्गेश नंदिनी भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन दिया गया आपका स्कूल चलो परियोजना, पढ़ई तुहर द्वार योजना, पढ़ो लिखो परियोजना या चौक परियोजना। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, चौक परियोजना। विस्तार में बात करेंगे, स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने वाली चौक परियोजना को विश्व और भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत विश्व बैंक अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ को 2500 करोड़ रुपए देगा तथा राज्य की ओर से इसे पहले चरण में 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे स्मार्ट क्लासरूम और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत सरकार के मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान में राज्य के किस जिले को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया आपका रायपुर, सूरजपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, सूरजपुर। विस्तार पर बात करेंगे, वित्त मंत्रालय द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत देश के 14 राज्यों में से 52 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जोन से सूरजपुर जिले को चयनित किया गया है। CBI द्वारा जिले के सभी 6 ब्लॉकों में ब्लॉक वार गांवों का भ्रमण कर मिट्टी इकट्ठा कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में रायपुर के किस प्रोजेक्ट को सामाजिक सरोकार की श्रेणी में स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया भारतमाला प्रोजेक्ट, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट या बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रोजेक्ट। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द, बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रोजेक्ट। विस्तार पर बात करेंगे, इसके इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में रायपुर स्मार्ट सिटी के 2 प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है, जिसमें स्वामी बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रोजेक्ट को सामाजिक सरोकार की श्रेणी में और डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे नालंदा परिसर योजना को उत्कृष्ट नवाचार की श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दोनों अवार्ड याद रखेंगे और किस श्रेणी में दिए गए हैं ये भी याद रखेंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न आपको दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके सितंबर माह के पूरे मंथली करंट अफेयर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ के। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।